फ्रंट लोडिंग है कि टॉप लोडिंग है, वॉशिंग मशीन बता दो, क्या उसमें इस्तेमाल करते हो ये बता दो, अजीत पवार ले लो, अशोक चव्हाण ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तुम्हारे यहाँ आते ही सब ठीक 24 घंटे पहले, उसके बारे में कौन सा सर्वोच्च नेता क्या बोल रहा था सब पता है, आपके यहाँ आ गया सब ठीक, हमारे यहाँ है तो सब गलत। बिल्कुल ये पॉइंट है और ये पॉइंट पॉलिटिकली वैलिड भी है, लेकिन एक 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 चीज और देखनी चाहिए। पॉलिटिक्स में सब जानते हैं, हमारे एक कहावत है, हमाम में सब नंगे हैं, सब जानते हैं इस बात को, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता जो नरेंद्र मोदी के घनघोर क्रिटिक कई बार रहे, बिल्कुल, लेकिन क्या आज तक उनके ऊपर कोई ईडी का केस आया, क्या उनके ऊपर कोई सीबीआई का केस आया, क्या उनके ऊपर कोई आईटी की रेट पड़ी? और राजा जी मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे यहाँ से ये भी है, ये मेरा आर्गुमेंट है, काउंटर आर्गुमेंट, लेकिन राज भाई वो तस्वीर जो दिखा रहे थे बहुत दिलचस्प तस्वीर थी, सुनीता केजरीवाल जी बैठी है, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर हैं, एक तरफ सरदार शहीद आजम भगत सिंह हैं, और बीच में जो है वो फ्रेम में लगे हुए सुनीता केजरीवाल पिक्चर प्लीज, जेल के पीछे जो है वो ये देखिए यही तस्वीर, क्या ये तस्वीर उचित है? टीवी के आदमी हैं, जानते हैं टीवी के बारे में। क्या 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 ये उचित है, हाँ या ना बता दीजिए राजेश जी, उचित है या नहीं है? पिक्चर पकड़ ली है। मैं जवाब दे रहा हूँ, देखिए गौरव जी आ रहा हूँ 10 सेकंड्स। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह हमारे आइडल हैं, हमने उनकी फोटो लगाई हुई है, अब बीजेपी के आइडल गोडसे जी है तो वो गोडसे जी की फोटो लगा दे, बीच में अरविंद जी जेल में क्यों भाई? नहीं नहीं अरविंद जी के लिए भी वो आइडल है ना, देखिए अगर आप जिनको अपना मानते हैं, जिनको हम अच्छा मानते हैं, उनकी फोटो लगाते हैं, उनके साथ में अपनी भी लगाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि भाई हम उनसे अपने आप को कंपैरिजन, हम उनको आइडलशिप पे मानते हैं कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। अब ये गोडसे जी की फोटो लगाते हैं भाटिया जी हमारे, किंतु गोडसे जैसा बनना है तो इसमें क्या नहीं, जरा भाटिया जी का जरा लाइए फोटो, नहीं दीपक दादा के साथ भाटिया जी को भी लाइए, भाटिया जी के पीछे आपको किसी की फोटो दिख रही है? भाटिया जी के पीछे आपको कमल दिख रहा है जो कि उनकी पार्टी का चिन्ह है, आप बात समझिए। अभी तो मेरे भाई आपके पीछे भी चिन्ह नहीं है, मेरे पीछे भी नहीं नजर आ रहा, नहीं नहीं आज अच्छा है, इनके सर पे उल्टी झाड़ू पड़ी हुई है, इनके सर पे उल्टी झाड़ू पड़ी हुई है। गौरव भाटिया राजेश गुप्ता वन ऑन वन, थैंक यू प्लीज। अरे गौरव भाटिया जी का फिर आधा जवाब रह गया था, नहीं नहीं अभी काउंटर आ रहा है, अभी आता हूँ। हाँ गौरव जी देखिए ऐसा होता है, ये जो पीछे फोटो लगा के प्रोपेगेंडा होता है, ये कौन सी पार्टी है आप याद करिए, ये वो पार्टी है जिसके पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, एक पॉक्सो एक्यूज्ड जिसने किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है उससे मसाज लेते हैं, ये वो पापी आप पार्टी है जिसके नेता आप समझिए टॉयलेट्स को क्लासरूम बता के घोटाला कर देते हैं, और इसीलिए इनकी विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। और मेरे सवालों का उत्तर मेरे भाई राजेश जी ने दिया नहीं, मैंने क्या कहा आपको न्यायालय राहत क्यों नहीं दे रहे, अरविंद केजरीवाल को राहत क्यों नहीं मिली आपने नहीं बताया। दूसरी बात मैंने कहा इस्तीफा लिया मनीष सिसोदिया से, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे, आपने कोई उत्तर नहीं दिया। अब मैं आता हूँ जो बात दीपक भाई ने कही, दीपक भाई ने कहा हमाम में सब नंगे हैं, मैं इस पे आपत्ति दर्ज करता हूँ। मैं समझता हूँ आज गंगा जल की तरह अगर पवित्र है कोई नेता तो वो नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी क्यों कह रहे हैं पूरे विश्वास से कि 400 पार एनडीए 370 प्लस, क्योंकि दीपक जी आपको मानना होगा 10 साल प्रधानमंत्री रहे, 12 साल मुख्यमंत्री रहे, कोई हिम्मत नहीं कर सकता है कि उनके दामन पे एक दाग लगा दे। और कार्रवाई की जो बात करी मैं आंकड़ों के और तथ्यों के साथ आपको बताता हूं, शुभेंदु अधिकारी 2019 हमारी पार्टी में आए 2020 में, 2020 और सीबीआई ने उनको चार्जशीट किया मई 2021 में, हमारी पार्टी में थे, वो मुकदमा खत्म नहीं हुआ। इसी तरह से मुकुल रॉय, सवाल दीपक भाई ये पूछा जाएगा, मुकुल रॉय हमारी पार्टी में आए और 2017 में 2019 में चार्जशीट हुए लेकिन वापस टीएमसी में चले गए। अब आप ये बताइए दीपक भाई कि ये वॉशिंग मशीन किसके पास है, आज मुकुल रॉय भ्रष्टाचारी है या नहीं है, क्योंकि वो आज टीएमसी में है। अब घमंडिया नहीं मानेगी कि वो भ्रष्टाचारी है, कोई काम लेकिन हमने मुकदमा बंद नहीं किया, ये सच्चाई है। और यही बात राजेश अमित शाह जी ने रिपब्लिक के कॉन्क्लेव में कही, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका मुकदमा हमने बंद किया हो, अगर कोई बंद होता है मुकदमा तो न्यायालय से। गृह मंत्री ने जो कहा था
दीपक जी कोई आंसर? सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा राजेश जी, जवाब दें अपनी बात के सपोर्ट में। सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा, पर ये भी तो सच है कि इन्हीं लोगों पर जिनके नाम आज आप ले रहे हैं, आप लोगों ने भी आरोप लगाए थे, क्या ये सच नहीं है? ये बता दीजिए आप। दीपक भाई बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ नेतागण हैं जिन पे आरोप लगाए गए, लेकिन अगर न्यायालय ने अपना काम किया है और उन पे कभी कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है और या वो दोष मुक्त हो गए, तो मैं समझता हूँ कोई पार्टी इसको संज्ञान में लेते हुए निर्णय ले सकती है, ये आप मानेंगे। लेट द पीपल डिसाइड। हम किसी पे आरोप लगाते हैं और वो दोष मुक्त हो जाए तो न्यायालय का सम्मान हमें भी करना है, उन्हें भी करना है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ भाई जनता को डिसाइड करने दीजिए राजेश गुप्ता जी, लेकिन नहीं आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा, मेरा एक एड ऑन सवाल ले लीजिए, पार्टी का क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री जेल में है, कोर्ट ने मना कर दिया, यदि बता 5 बार वकील अब मिल नहीं सकते, हफ्ते में 1 या 2 बार होगा, ऑर्डर जो भी आप निकालेंगे कागज से, जो भी मतलब आतिशी जी, सौरभ जी, संजय भाई, जो भी आप पत्रकार वार्ता करेंगे वो सिर्फ हफ्ते में 2 बार हो सकती है, तो दिल्ली की जनता ने क्या ऐसा गुनाह किया बताइए आप? कोई ऑर्डर नहीं हो सकता, कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, नो मेजर। सवाल मेरे से बहुत सारे हो गए। अच्छा जवाब दीजिए, चलिए ओके 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 भैया, टेकिंग अ बैक सीट, जवाब दीजिए, थोड़ा मुझे याद करने में दिक्कत हो जाएगी। ओके ओके, आराम से आराम से आराम से। गौरव भाई ने मुझसे, वैसे ही आप आजकल इतने प्रेशर में है, मुझ पर प्रेशर नहीं है, लेकिन सवाल बहुत सारे आ गए तो मैं जवाब दूंगा। बाकी मेरे पहले का प्रेशर इसलिए नहीं कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं। तो बाकी साहब ने जब अभी कहा क्लेरिफिकेशन इतना आ जाता है, कोई बात नहीं, आप पूर्व, आप सबका स्वागत है, आप पूर्व बिजनेसमैन है, आप हाँ आप पूर्व बिजनेसमैन, बोलिए ये भी खतरा है आजकल, आजकल ये भी कोई नहीं बैक 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 ऑन अ सीरियस नोट जी, बैक ऑन टॉपिक। बाकी साहब ने कहा कि वनीत जी को जबरदस्त क्यों नहीं मिली, और उन्होंने कहा कि प्राइमा फेसी, बाकी साहब बहुत बड़े वकील है, मैं तो वकील नहीं हूँ, लेकिन कोर्ट के शब्द थे टेंटेटिवली, प्राइमरी फेस नहीं जाता, और इन दोनों शब्दों में बहुत फर्क है, बाकी साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, टेंटेटिव, और उससे पहले जो ऑब्जर्वेशंस थी लंच के पहले की, वो भी बाकी साहब को बहुत याद होगी कि बहुत सारी बातें कोर्ट ने कही थी कि लगातार किसी को बिना सबूत के नहीं ले सकते, किसी के ऊपर आप ट्रायल नहीं चला रहे हो, आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर चार्जशीट दिए चले जा रहे हो, और जो इनकी पार्टी में आ जाते हैं हो सकता है केस ना खत्म करे, हो सकता है फाइल लगाए वो, लेकिन बाकी साहब सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फिर नहीं डालते हैं, ये भी बात। नीतीश कुमार जी की बात आई, दीपक भाई ने कहा, तो भाई बुरा मत मानना, उत्तर दे दो, कितनी बार वो पार्टी स्विच कर चुके हैं कि लालू जी को भी शायद अभी ये लग रहा होगा कि नीतीश कुमार जी फिर वापस आ सकते हैं, उनका समय पूरा हो चुका है, हर 6 महीने में बदलते हैं, जैसे 6 महीने पूरे होंगे फिर आ जाएंगे, तो इसलिए लालू जी भी थोड़ी सावधानी बरतेंगे, मोदी जी भी बरतते हैं कि पता नहीं 6 महीने में कहां पर, ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार स्विच करा, हर पौने 2 साल की एवरेज होगी, पौने 2 साल में पार्टी स्विच करते हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर क्या छापा मारना, कल को आई, तो ये सारे के सारे सवाल, फिर एक सवाल हो गए मेरे पीछे उल्टी झाड़ू है, मैंने पहले भी कहा इनके पास में कमल है, कमल कीचड़ में खेलेगा, झाड़ू कीचड़ को साफ करे तो कमल तो खेलेगा नहीं, तो ये बड़ी सीधी सीधी बातें हैं, कोई ऐसे डरने वाला नहीं, आप डराते रहो, मेरा एक बात ही कहना है बाटिया साहब से, मेरी रिक्वेस्ट है बाटिया साहब, पता क्या होता है, सिद्धांत है कि नेचर का, जो चीज ऊपर जाएगी उसका नीचे आना निश्चित है, जो पैदा हुई उसकी मृत्यु निश्चित है, किसी स्प्रिंग को ज्यादा दबाओगे उछलेगी, बहुत ज्यादा हो रहा है मेरे भाई, 5वीं का बच्चा भी समझने लगा है कि आप गदर बचा रहे हो, चलते फिरते को पकड़ रहे हो, बड़ा बढ़िया जवाब दे रहे हैं।